क्वेश्चन है, आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक और दो, और मैंने आपको बता दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के, आपने उसके ऊपर रख दिया, प्लेस कर दिया। एक और मास है पॉइंट मास, और वो वहाँ पर 6 kg इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, और तुम्हें बस ये बताना है कि अगर मैं इस 6 kg को उठा के इस पॉइंट पे रखूँ तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है, ये क्वेश्चन मुझे बताना है। अगर मैं इन्फिनिटी पे तीनों के तीनों पार्टिकल्स को रखता और मैं पहले 2 kg को रखता, अमाउंट ऑफ वर्क डन W1 जो कि जीरो होगा, फिर मैं नेक्स्ट पार्टिकल 3 kg को रखता, फिर मैं 6 kg को रखता, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी। पर मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरे को 2 और 3 kg का वर्क डन निकालो, मुझे चाहिए ही नहीं है, वो तो रखे रखाए हैं। मुझे बताओ कि 6 kg को रखना है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, क्या करूं? ना, ऐसा नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगा, वी चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी ना, डिस्टेंस नहीं चेंज करना कभी भी। ये भी कोई बुरा नहीं है, ये कह रही है मान लो 6 kg को यहाँ रख लो, सिस्टम को एनर्जी निकाल लो, 6 kg को हटा दो, सिस्टम की एनर्जी निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। अच्छा, ये बात कही, चलो ठीक है, फिर ये भी गलत नहीं है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके डन। कोई और तरीका, एक और छोटा तरीका भी है, कर लिया होगी, लेकिन हमें मतलब नहीं है उसका। अच्छा चलो ठीक है, बुरा भी नहीं है ये, एक ही बात है, माइनस किया, और ये कह रही है कि मैं 6 kg को रख देती हूँ, 6 और 3 kg के हिसाब से निकाल लेती हूँ, और 6 और 2 के साथ निकाल लेती हूँ, और 2 और 3 का नहीं निकालती क्योंकि वो तो ऑलरेडी रखे रखाए थे। चलो मैं ये भी एग्री कर जाता हूँ, सही है। जो नॉर्मल तरीका चलता है, जो आसान तरीका है, इससे बेटर तरीका, जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी चलता है और ग्रेविटेशन दोनों में चलता है, और आप बुक्स के अंदर ज़्यादातर यही तरीका देखेंगे, वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे कि 2 और 3 kg यहाँ पे पोटेंशियल लगाएंगे, कितना लगाएंगे, -g m/r + -g m/r, ये लो, v की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या रखना है, 6 kg का मास रखना है, और मैंने आपको सिखाया था वर्क डन या एनर्जी, कुछ भी, क्या होता है, मास इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल का एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लास्ट टाइम, चार्ज इंटू पोटेंशियल की जगह मास इंटू पोटेंशियल, ये आपको याद होगा, ये भी तो हमने किया हुआ है। V क्या होता है, U डिवाइडेड बाय M, तो U क्या होता है, M इंटू V। तो आप कुछ ना करें, जो यहाँ पर मासेस पड़े हुए हैं, दो मासेस, उनका पोटेंशियल निकाल लें, तो उस पोटेंशियल को, इस V की वैल्यू को आप 6 kg से मल्टीप्लाई कर दें, इस V को यहाँ पुट कर दें, अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा, आंसर आ गया। वह तरीके तुम दोनों के भी ठीक थे, ऐसा भी कर सकते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल जी भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी सही तरीका है। ज़्यादातर बुक्स यही यूज़ करती है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि कभी वो स्क्वायर भी दे देगा, वैसे बोलेगा कि चलो स्क्वायर ले लो, M1, M2, M3, M4, और वो कहेगा कि चलो इमेजिन करो यहाँ पर जो इन्फिनिटी से आपको एक मास लेके आना है M5, उसको यहाँ पे रखना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आप चारों का पोटेंशियल निकाल दो वी, और V को जिस पॉइंट मास को रखना है उठा के, उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा फैक्टर का। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक, इसी के अंदर मैं थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ इस रिजल्ट को, 2 मिनट आप इन्हें नोट कर लो, और ये 100 में से 2 न्यूमेरिकल में लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़े कॉम्पिटिशन बेस्ड न्यूमेरिकल में लग सकता है, नॉर्मल न्यूमेरिकल में नहीं लगेगा। बता देता हूँ एक एग्जांपल के साथ, ताकि आप एटलीस्ट लग जाए तो एटलीस्ट पता हो कि करना क्या है। कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, इसमें ये बताया जाता है कि मैंने, सपोज करो एक मिनट के लिए, ये इन्फिनिटी का पॉइंट है, इन्फिनिटी है, और ये एक पॉइंट है जहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर मासेज होंगे, उन्होंने कुछ पोटेंशियल लगाया होगा, जैसे भी मैंने बात की, तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल है तो ये खुद इस यहाँ पे पड़े हुआ मास तो पोटेंशियल खुद पे लगाता ही नहीं,
और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल है तो मुझे को यहाँ मास की जरूरत है भी नहीं, सही है। तो चलो मान लो यहाँ का पोटेंशियल वी है और इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो। इन्फिनिटी के पोटेंशियल्स क्या होते हैं, ज़ीरो। तो जब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ ना, कि जो आपने देखा होगा वर्क डन इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या एनर्जी इज इक्वल टू क्या यूज़ किया, एम इंटू वी, ऐसे यूज़ किया था मैंने, ये फॉर्मूला यूज़ किया। एक्चुअल में फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं होता, एक्चुअल में ये होता है एम इंटू पोटेंशियल नहीं होता, एम इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, वर्क डन ऐसे भी आ जाता है। आपको ये क्या चक्कर है, पोटेंशियल डिफरेंस में एक बात बताओ, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है जब आप किसी मास को उठा के यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, और ये आपकी फाइनल पोजीशन है, एक इनिशियल पोजीशन है एक फाइनल पोजीशन है, ऐसा ही है। अब वर्क डन की वैल्यू इज इक्वल टू मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है वी, इनिशियल कितना है जीरो, वो बाय डिफॉल्ट जीरो है इन्फिनिटी का। तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बन जाता है, एम इंटू वी। लेकिन इमेजिन करो आपके क्वेश्चन में वो क्या करेगा, थोड़ा चेंज ला देगा, वो कहेगा जी मेरे को इन्फिनिटी से लेके ही नहीं आना, तो फिर कहाँ से लेके आना है, वो ऐसा एग्जाम्पल बनाएगा कि सपोज करो ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट ए है, वो कहेगा एक काम करो जी ये मेरे पास कोई मास है एम, और एम मास क्या कर रहा है, एम मास यहाँ पे कुछ पोटेंशियल लगा रहा है वी ए, और उसका मास लगाएगा, और एम मास यहाँ का पोटेंशियल क्या लगा रहा है वी पी, जो आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको डिस्टेंसेज वगैरह सब गिवन होंगे, पर मैं इस चक्कर में पढ़ नहीं रहा, मैं तो वैसी बात कर रहा हूँ कि वी ए वी ए भी कुछ तो पोटेंशियल होता होगा, एम मास कुछ तो लगाएगा। तो एम मास ने दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल लगा दिया। अब वो कहता है कि इमेजिन करो कोई 2 केजी का मास है जिसको उठा के मैंने बी से ए पे रखा, मैंने कहाँ से कहाँ रखा, बी से ए पे रखा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो मैंने इन्फिनिटी से ए पे नहीं रखा, मैंने फाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है, ये क्वेश्चन है। रूल नंबर 1, जब आप जिस मास को उठा के रखते हैं, 2 के जी मास को उठा के रखते हैं, तो आप मेरे से ये पूछ सकते थे कि इनिशियली 2 के जी मास यहाँ पर है तो 2 के जी भी तो यहाँ पोटेंशियल लगा रहा होगा, अगर एम लगा रहा है तो 2 के जी भी तो लगा, ठीक है अपने ऊपर ही लगाएगा, आसपास तो लगाएगा ही ना। ये जो मास उठा के रखे जाते हैं इनको टेस्ट मास बोलते हैं, जैसे टेस्ट चार्ज टेस्टिंग के लिए, ये पोटेंशियल में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते, जब फिजिक्स में यूज़ करते हैं देयर इज अ टेस्ट चार्ज, मतलब ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है ना इसका कोई पोटेंशियल कंसिडर करना है। उसी तरीके से जब जिस मास को उठा के लेके आ रहे हैं उसका ना तो वो कंट्रीब्यूट करेगा ई में ना वो कंट्रीब्यूट करेगा वी में, वो सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए, ताकि आपकी टेस्टिंग कर सके कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, डेफिनेशन बनाने के लिए। तो यानी कि जो फिक्स्ड मास है वो तो पोटेंशियल लगा रहा है, पर जो मूविंग मास है वो एक टेस्ट चार्ज है या टेस्ट मास है। तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ क्या करना है, मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट ये यूज़ करना है कि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला मैंने क्या करवाया, एम इनटू पोटेंशियल का डिफरेंस। अब देखो यहाँ काम आएगा कैसे, जब आप बी से ए पे आए तो ये आपका फाइनल पॉइंट है और ये आपका इनिशियल पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। वी ए वी बी गिवन होगा, टेस्ट मास एम की जगह मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए, एम नहीं लेना चाहिए मुझे, मुझे जिस मास को उठा के लेके आ रहे हैं 2 kg के मास को, तो 2 इंटू फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ से आंसर आएगा। पर क्योंकि आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, तो फ़र्क ना पड़ता, तो इसलिए वो वी के साथ ही काम चलता है। पर अगर ना हो तो क्या करना है, समझ में आ रहा है, ये डेफिनेशन को चेंज कर देना है, ठीक। वैसे